हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चोरी क्या होती है, चोरी करने पर कितनी सजा का प्रोविजन किया गया है। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि चोरी, लूट और डकैती में क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चोरी क्या होती है। चोरी को आईपीसी सेक्शन 378 में डिफाइन किया गया है। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के कब्जे से उसकी सहमति के बिना कोई चल यानी मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी की नियत से हटाता है तो ये चोरी है। चोरी में तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता हो। दूसरी ये कि वो प्रॉपर्टी ऑनर की सहमति के बिना ली गई हो। और तीसरी के उस प्रॉपर्टी को बेईमानी की नियत से लिया गया हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन अपने दोस्त के घर गया और दोस्त वहां पर नहीं है लेकिन उसकी बुक्स रखी हुई है, तो वो पर्सन अगर उन बुक्स को उठाता है इस नियत से कि मैं पढ़ने के बाद वापस कर दूंगा, तो ये चोरी नहीं है। हालांकि यहाँ पर प्रॉपर्टी मूवेबल भी है, बुक्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है और यहाँ पर ऑनर की सहमति भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन है कि बेईमानी की नियत से हटाया जाए वो नहीं पाई जा रही है, इसलिए ये चोरी नहीं है। लेकिन अगर वो पर्सन बुक्स को इस नियत से हटाता है कि अब ये वापस नहीं करूंगा, बेईमानी की नियत से हटाता है, तब ये चोरी होगा। इसमें एक और कंडीशन होती है कि प्रॉपर्टी को किसी के कब्जे से लेना। इसलिए अगर आपको कोई चीज कहीं पड़ी हुई मिलती है और आप उसको अगर बेईमानी की नियत से उठाते हैं तब भी वो चोरी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कब्जा नहीं पाया जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि चोरी करने पर कितनी सजा होती है, साथ ही इसमें बेल का क्या प्रोविजन है। अगर कोई चोरी करता है और उसे दोषी करार दे दिया जाता है तो उसे आईपीसी सेक्शन 379 के तहत कम से कम 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। क्योंकि चोरी एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है, इस कारण चोरी की शिकायत होने पर पुलिस इस पर तुरंत कॉग्निशन लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। आईपीसी सेक्शन 379 यानी चोरी करना एक गैर जमानती अपराध है, इस कारण इस मामले में तुरंत जमानत नहीं मिलती। ज्यादातर इसमें सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो जाती है, लेकिन अगर सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो जाए तो आप हाई कोर्ट में जमानत की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सेक्शन 379 यानी चोरी करना एक समझौतावादी यानी कंप्रोमाइजर है। अगर प्रॉपर्टी का मालिक चाहे तो समझौता करके मामले को खत्म कर सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि चोरी, लूट और डकैती में क्या फर्क होता है। चोरी यानी थेफ्ट, इसको सेक्शन 378 में डिफाइन किया गया है कि किसी पर्सन के कब्जे से उसकी सहमति के बिना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे रुपया, घड़ी, सामान वगैरह बेईमानी से लेना चोरी होता है। इसके लिए जनरल पनिशमेंट 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों होती है। लेकिन अगर ये चोरी किसी घर में की जाए तो 7 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरा होता है लूट यानी रॉबरी। रॉबरी को सेक्शन 390 में डिफाइन किया गया है। जब चोरी करने में कोई हिंसा की जाती है तब ये मामला चोरी का ना होकर के लूट का बन जाता है। जनरली 10 साल तक के कठिन कारावास और जुर्माने से ये दंडनीय होता है, लेकिन अगर ये लूट हाईवे पर की जाती है तो इसमें 14 साल तक की सजा हो सकती है। तीसरी होती है डकैती। डकैती को सेक्शन 392 में बताया गया है। अगर लूट करने वाले लोगों की गिनती 5 या उससे ज्यादा है तो ये डकैती कहलाती है। इसके लिए जनरली 10 साल के कठिन कारावास या जुर्माने की सजा होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के कब्जे से उसकी सहमति के बिना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी की नियत से हटाता है तो ये चोरी है। और अगर इस चोरी में कोई हिंसा हो जाती है यानी किसी को चोट पहुंच जाती है तब ये लूट हो जाता है। और अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर के लूट करते हैं तब ये डकैती बन जाता है। आई होप कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चोरी क्या होती है, इसमें कितनी सजा का प्रोविजन है, साथ ही चोरी, लूट और डकैती में क्या फर्क होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।